चीज़ जाए दिखाई देती है और फिल्म देरा से हो जाता है। कभी कभार तो तेरी जो उसकी खुली सी हो जाती है, कभी कभार तो देख कभी कभार नहीं खुल जाती, मेरी सुनता रहे तो बाद में हाँ भाई एकदम उजाला सा होता है, रोशनी नहीं खुलती है तेरी। सनी पेपर करूंगा मार, उजाला सा निकलता है लेकिन वो जो एकदम ऐसा हो जाता है जैसा कुछ आंधी सी आके खड़ी जी। अम्मे अम्मे दाल दी से ओ यार इसको बिस्कुट खिलाओ, बचना तो यू है नहीं, खिला दो अन्ना मिले जाएगी सर। ये हमारे चैनल में ऐसा कर देते हैं क्या नाम है तुम्हारा? सोनू। सोनू 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 बिस्किट है भैया और तुम्हारे पास? अपनी कुलदीप बिस्किट वहाँ से अलग खिला दो और लिए वहाँ पैकेट मिल जाएंगे बिस्किट। वैसे एक बार देना 50 रुपए में 35 बन जाएंगे। अभी तो ये पानी पानी पहुँचना है सोनी, तेरी रोशनी आ सकती है तो और प्रयास कर आ जाए। बताओ जी रोशनी आ जा फिर तो बिना करने गुरु जी कचू ना कोई चीज़ को ना मैं गुरु जी थोड़ी तो मुझे गुरु जी अरे नहीं आ साथ थोड़ी रही तेरी पहले नो 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 ये तो बाद में गई। एक बार तो तुझे झटका लगा था फिर अंधेरा सा ही होता चला गया। हाँ जी ऐसे ही भैया यही हुआ है तो धीरे 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 करके गई। अच्छा मीठा है खा रहा है मीठा है इधर का है ना आदमी तो खा रहा है ही पानी भी खा रहा वे तुम अकेले आते हो वहां से गोवर्धन से परिक्रमा मानने? बहुत आती है हमारी। अच्छा चार दस आठ लोग आते हैं। अच्छा आज मैं तो मरे मैं किधर बैठा देख रहा हूँ मैं पहले पहले दिख रहा था ऐसा ना पहले दिख रहे थे ये बूझ रहे पहले भी इतने दिख रहे थे जब पहले बैठे थे आप बूझे जब से इतना देखने लगे अब नहीं कछु फर्क सा है। मेरे कपड़े कैसे हैं सफेद सफेद से ले चलो बोल गुरु भैया जी की जय। पूरी रोशनी आ मजा जाओ जी। सच सच बताइए भैया बिल्कुल सच ही बता रहे भैया ना सनी देव यहाँ झूठ बोल रहे देखो जरा मुंह उठा के देखो एक बार और अच्छे से कितना फर्क है ऊपर को मुंह करके देख मेरे को वही बैठा बैठा वही बैठे बैठे देख अपने आंखों से इनकी आंखों को मिलाने की कोशिश करो जितना तुम देख सको कैसा महसूस हो रहा तुझे
चाय पियो भी ये लो। देख रही है पहले दिखा हुआ है सर है यो बताते रहिए पहले मैं कुछ अंतर है नहीं है हर चीज में कितना फर्क है। ठीक करने के लिए तो बैठी है फर्क तो है फर्क तो है थोड़ा बहुत लेकिन लग रहा कुछ फर्क कर दो गुरु जी से बेचारे परिक्रमा मार रहा भगवान की मंदिर पे जिसकी घर वाली ने हटा मारा गुरु उसी नहीं आ गई अभी तो आप खुदा ही तो सही है उसकी आंखों फूला था पहले तो मैंने मना कर दिया छोड़ के जाप करते रहो हैं जय बाबा जय माता करते रहो और देखो भजन करो जय बाबा जय माता भजन भगत का भजन जाता है ये कर्म दंड है कुछ ना कुछ गलती इस पे हुई है या हम पे हुई है और अगर इससे हमारे इससे इसको ठीक होना है तो इसको अभी 19-20 आराम मिल जाएगा और तो फिर हम बताएंगे इसकी प्रक्रिया कैसे ठीक होगा जो किसी दिन फिर आएंगे या वो मार जाएंगे झटका ले जाएंगे कुछ करवा एक भगत तो कहना है करवा रखा है यही ऐसे नहीं है भगत लोग तो सीधी कहते हैं करवा रखा जब दुखावे जब भी करवाया जाए उससे पहले नहीं करवाता कोई भी ये अंधकार में डालते हैं लोग कहीं कुछ नहीं करने से बुरा होता तो बॉर्डर पुलिस क्या कर रही है भगत में बैठा तो लेकिन देखिए भक्ति ऐसी कीजिए जो किसी को ये पता ना लगे कि इस आदमी के अंदर कितना कर्म है अरे ना अड़ में माला गेरना दिखावा करना इससे भक्ति नहीं होती है भक्ति तो अंदर से आ जाती है मार्ग पे कोई चल रहा है उसे ले जाने की कोशिश करो शनिदेव का काम क्या था मार्ग पे पहुंचाना कर्म फलदाता है कलयुग लेकिन इसका हर देवी देवता का गलत प्रयोग कर रहे हैं लोग उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं हमें ये चीज तो बहुत अच्छी है तो सबको देने वाली है ये कभी लेती नहीं है विश्राम देती है अच्छा सोनी तुम्हारे यंगे जो बैठा है ये इस पर कैसे कपड़े हैं जरा नजर मारना तुम्हारे इधर सीधे हाथ पे उल्टे हाथ उल्टे पे ये भैया ऐसी देखो आंखों से पता कैसे चले कि फर्क है या ना है ये इनके नहीं दिख रहे हैं काले काले से दिख रहे हैं इनके तो अच्छा काले है काले काले पेंट का रंग बता दे बस कैसा खड़ा हो जाओ देखने कोशिश करो गुरुदेव ऐसी लग रहा पेंट तो कैसे लग रहा थोड़ा इधर लाइट में अच्छा लाइट में लो सामने हो तुम्हारे ऐसे रंग कैसा दिख रहा है ये हुआ हाँ चलो ऊपर के तो काले हो गए नीचे क्या ऐसा दिखा सामने देखो जरा दिख ना रहे तुम देख रहा हूँ ना इधर कैसा दिख रहा है सब ऐसा सही है फर्क हो जा थोड़ा और दूर को दिखाओ इंगे को मुंह करो भैया मेरी तरफ कौन कौन सी डाली सोनी मैंने कुछ वैसे तो कोई ज्यादा बिजली की दवाई बता दूं बताओ जब तू यार भगवान ने रोका है यहाँ तक तो कुछ ना कुछ तो बता के जाऊंगा तुझे गुरु महाराज पे सरस्वती बैठी है करता और मुझे अगले शनिवार को तो सही मिलना बिल्कुल ठीक है इसी दुकान पर मिलना मैं तुझे सही दुकान उसने दे के जाऊँगा गुरु महाराज की शिवलिंग का एक लोटा जल चढ़ाओ अपने हाथ से शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ये जाप करना है और उसका उतरा हुआ जल एक एक बूंद आँखों में डालना है
रोज रोज सुबह को हाथ पाँव धोने जब तक भगवान तो भाग के भूखे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर मिल जाए तो ये देखो जो महात्मा सुल्फा पीते हैं उसके नीचे एक कपड़ा लगाते हैं उसको बोलते हैं टॉफी जी फिल्म की टॉफी टॉफी है ना उसकी एक एक बूंद पानी में थोड़ा सा भेज कर या गंगा जल मिल जाए तो उसमें भेज कर एक एक बूंद डालना दवाई ले डोल रहा भाई गांजा पी रहा या कहाँ सनीदेव पे गुलाल चलो अभी आ जाते तो अभी कुछ फर्क हो जाता चिलम में तो और भी ज्यादा असर है। ये देखो तुम्हें कैसा महसूस हुआ दिन हो तो दिन में तो नहीं नहीं दिन का नहीं रात में रात में तो मजा आएगा दिन का तो तुम करेगा अगर धागा ना फिरवाया तो फिर भक्ति किस काम की बोल भगवान राम की जय बोल गुरु भैया सुई में अगर धागा ना फिरवाया रात में तो काले काले से लग रहे हो काले सिर पर क्या है सिर पर टोपा से लग रहे हो कछू बन रहा है ना पहले में अब में भैया फर्क है फर्क तो है ये बताएंगे भैया देख रहे ना ना जी जी खुद भी पता होगी रात में इतना ना दिखता हो जितना अब दिख रहा बोल बाबा मोहन राम की इनको नंबर ले लियो बुला लियो ना अगले शनिवार को अच्छा जी तो बिठा के ही बिठा ले तुम्हारे धोरे जाएंगे हम जब से यहाँ बैठे हैं चाय पी रहे हैं तो मैं महसूस हुआ कुछ अपने आप पे हुआ है और थोड़ा बहुत तो देखो देख रहे में परिवर्तन आए हुए ऐसी बात क्या हो क्या नाम भैया आपका मेरा हाँ सोनी सोनी कहाँ से हो आप मुरैना गांव का नाम मुरैना कहाँ पड़ता है गोवर्धन पे नहीं नहीं मुरैना एमपी विंड मुरैना तो आप एमपी से आते हो यहाँ नहीं नहीं मैं गोवर्धन रहता हूँ तो। अच्छा गोवर्धन रहते हो गोवर्धन से आते हैं हर हर सैटरडे को आते हो आप हर शनिवार को काम में कुलदीप क्या नाम है तुम्हारा मेन आदमी कौन है गोपाल गोपाल कुमरा से दो ढाई साल से बढ़िया ना चल रहा तुम्हारा काम ठीक है तीसरे साल चल रही है इसे करो भाई गुरु जी बेचारे आंखन वाले बेचारा परिक्रमा अरे खुले हैं कोई दिक्कत नहीं सोनी तुझे जरूर ठीक करूंगा देख भाई जरा बिल्कुल तो हाँ एक नहीं गुरुदेव हमें तो अब ना पता नहीं हम तो अभी फैलाते हाँ जी बस बस यही बताया डॉक्टर ने भी यही बताया जो बाबा जी बता रहे जी बिल्कुल नस ब्लॉक है अगर इन्हें ये स्वापी डाल दी और शिवलिंग का उतरा हुआ जल डाल दिया तो 11 दिन में ही सही हो जाएगा अपना आप ही अगले शनिवार बैठ कर कुछ करते हैं फिर वहाँ ठीक है ना भजन भी बहुत बढ़िया गा रहा है भैया भजन भी गाओ हाँ गाओ
अरे यार तुम तो फिर तो मंडली के आदमी हो, तुम तो भगत आदमी हो, तुम तो और जल्दी ठीक होगे। अच्छा जी, अगली बार बुला लियो तुम, ठीक है? उन्हें आगे मंडली आ रही है। चलो तो आगे गुरु जी, इसलिए जल्दी आगे कहीं आज। एक बार ऐसा हुआ, विशाल भी आज बैठो।